करंट अफेयर की सीरीज में आज है 26 अक्टूबर। 26 अक्टूबर का करंट अफेयर क्या है, उसके लिए हमने जो पहला प्रश्न तैयार किया है, पहला प्रश्न ये है कि ऋषि सुनक यूके के किस नंबर के प्रधानमंत्री होंगे। मैं होंगे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 28 अक्टूबर को इनका शपथ ग्रहण है। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है कि 21 नंबर के जो है वो प्रधानमंत्री होंगे यूनाइटेड किंगडम के। यहाँ पे ऑप्शंस हैं ए 55वें, बी 56वें, सी 57, डी 58। इस प्रश्न का सही उत्तर है 57। ठीक, ध्यान दीजिएगा, चार्ल्स, किंग चार्ल्स ऋषि सुनक को जो है ब्रिटेन का 57वां प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे। ठीक है, अब ये है चार्ल्स तृतीय। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रिटेन के महाराज का क्या नाम है, चार्ल्स तृतीय। अब हम बात करेंगे दूसरे प्रश्न का। दूसरा प्रश्न यह है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध को रोकने के लिए कुंज ऐप मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा आंध्र प्रदेश और चौथा ऑप्शन है कर्नाटक। इस प्रश्न का सही उत्तर है कि कुंज ऐप केरल ने लॉन्च किया है। तो केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, ध्यान रखिएगा, केरल के मुख्यमंत्री का नाम है पिनराई विजयन, ने राज्य में बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध को रोकने के लिए कुंज ऐप लॉन्च किया है। अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि संयुक्त राष्ट्र हर साल किस महीने में निरस्त्रीकरण सप्ताह, डिसआर्मामेंट, या कहें कि हथियारों के जो ये प्रचलन है, बढ़ावा है, उसको जो है कम से कम किया जाए। तो डिसआर्मामेंट वीक जो है यूनाइटेड नेशन के द्वारा कब से कब मनाया जाता है। यहाँ पे चार ऑप्शन है आपके। ऑप्शन ए है 24 से 30 सितंबर, ऑप्शन बी है 24 से 30 अक्टूबर, ऑप्शन सी 24 से 30 नवंबर की ऑप्शन डी 24 से 30 दिसंबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है, जाहिर सी बात है आप लोगों ने हिट कर भी लिया होगा, 24 से 30 अक्टूबर। तो थोड़ा सा जानकारी लेते हैं कि यह है क्या। देखिए, संयुक्त राष्ट्र हर साल 24 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर तक निरस्त्रीकरण सप्ताह के रूप में चिन्हित करता है। देखिए, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को, राइट। और पिछले करंट अफेयर की सीरीज में जो 24 अक्टूबर का जो करंट अफेयर का हमारा वीडियो था, उसमें हम डिटेल में बात कर चुके थे कि जो संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है। तो ये सारा डिटेल जो है आप 24 अक्टूबर के करंट अफेयर में देख सकते हैं। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1978 में 1978 में निरस्त्रीकरण पर एक विशेष सत्र का आयोजन किया था और निरस्त्रीकरण सप्ताह पहली बार मनाया गया था। ठीक है, अब संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण आयोग यूएनडीसी की अगर स्थापना पूछा जाए, यूनाइटेड नेशन डिसआर्मामेंट कमीशन की, तो आप बताइएगा 1952। तो डिसआर्मामेंट कमीशन भी है संयुक्त राष्ट्र का और ये बना था 1952 में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, किस देश ने अनुवांशिक रूप से संशोधित मतलब कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम क्रॉप के क्रम में सरसों की प्रजाति ब्रेसिका जंकिया या ब्रेसिका जंसिया की व्यावसायिक खेती को मंजूरी दी है। क्या ऐसा जीएम क्रॉप जिसको जो है किस देश ने कॉमर्शियल कॉमर्शियल लेवल पे इसकी खेती करने की जो है मंजूरी दी है। तो इस प्रश्न में जो है आपके चार ऑप्शन है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या चीन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। अब हमारे सामने जो है ये नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे इसरो के सबसे भारी रॉकेट LVM-3M2 ने कितने उपग्रहों को ऑर्बिट में स्थापित किया है। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो प्रश्न है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। ठीक है, ये जो है वो भारत के लिए बहुत अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसमें जो है आप तीन चार ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन ए 35, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 31 एंड ऑप्शन डी जो है वो 32। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी 36। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का सबसे भारी रॉकेट LVM-3M2, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये है LVM-3M2 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के
सैटेलाइट लॉन्चिंग पैड से लॉन्च किया गया, और इसमें यूके के, यह रॉकेट यूके स्थित वन वेव, इसका भी नाम को याद रखना है ठीक है, यूके स्थित वन वेव के 36 उपग्रहों को, 36 सैटेलाइट को इसने स्पेस में भेजा है। तो इस लॉन्च के साथ LVM3 ने कॉमर्शियल लॉन्च सर्विस, ध्यान दीजिएगा, कॉमर्शियल लॉन्च सर्विस मार्केट में प्रवेश कर लिया है ठीक है। तो ये जो है इसरो की अचीवमेंट, और इसरो के साथ साथ कहा जाए कि अपने देश के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि यूके के जो 36 सैटेलाइट हैं उसको हमारा जो रॉकेट लॉन्च है वो उसने, रॉकेट ने उसको जो स्पेस में पहुंचा है, जिसकी संख्या है 36, ये याद रखिएगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात। देखिए, किस राज्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पी, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन पुरस्कार 2021 में पहला स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन है तमिलनाडु, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, और डी ऑप्शन है गुजरात। इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर प्रदेश, सी। अब जानेंगे इसके बारे में विस्तृत व्याख्या। उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार 2021 में पहला स्थान हासिल किया है। अब दूसरा या तीसरा स्थान किसका है? तो उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे और तीसरे क्रम में, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश और तीसरे में तमिलनाडु ठीक है, दूसरे में मध्य प्रदेश और तीसरे में तमिलनाडु है। गुजरात को भी 5 श्रेणियों में, विशेष श्रेणी में पुरस्कार मिले हैं, जबकि मध्य प्रदेश को 3 विशेष श्रेणी में पुरस्कार मिले हैं। तो चलिए, इस पॉइंट को भले आप याद ना रखिए, लेकिन 1 से लेकर 3 जो क्रम है, पहले पोजीशन पे उत्तर प्रदेश, दूसरे पोजीशन पे मध्य प्रदेश और तीसरे पे तमिलनाडु, इन तीनों का नाम जरूर याद रखिएगा। और खास तौर से यूपी और एमपी के जो भी यूपीपीएससी या एमपीपीएससी की जो एग्जाम दे रहे हैं वो इस क्वेश्चन को जरूर याद रखेंगे कि प्रधानमंत्री अर्बन योजना ठीक है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में पुरस्कार 2021 के लिए पहला स्थान उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश और तीसरा स्थान जो है वो तमिलनाडु को मिला है। तो ये जो था, ये 26 अक्टूबर का हमारा करंट अफेयर था। अब इस करंट अफेयर की सीरीज हम लोग जो है कंटिन्यू रखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।